तो नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं कि पाइथन का यूज़ करके हम लोग बीप साउंड या हम लोग अपने स्पीकर को पाइथन में कैसे इंटर कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि अपने हार्डवेयर को पाइथन प्रोग्रामिंग का यूज़ करके कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हम यूज़ करते हैं इम्पोर्ट। इम्पोर्ट एक मैजिकल वर्ड है, ठीक है। अब इम्पोर्ट एक मैजिकल वर्ड है, इस मैजिकल वर्ड का यूज़ डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में होता है। सजावा हो गया, सिसार्क हो गया, इन सब में इम्पोर्ट का यूज़ ऑलरेडी होता है। तो अभी हम देखेंगे यहाँ पे हमें क्या करना है, साउंड बजाना है, यानी कि एक बीप बजानी है। तो इसके लिए हम लेंगे विन साउंड, ठीक है। विन साउंड लेंगे, ठीक है। विन साउंड यहाँ पे हमने ले लिया। उसके बाद अब यहाँ पे हम क्या सेट करेंगे, फ्रिक्वेंसी सेट करेंगे। फ्रिक्वेंसी सेट करने के लिए FR लिखे हैं हम। और फ्रिक्वेंसी देखिए क्या होता है कि जो फ्रिक्वेंसी होती है वो हमें 37, यानी कि पाइथन में क्या होती है 37 से लेके 32, 65 के बीच पे ही हम यहाँ पे किसी नंबर को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 37 99 ले लेते हैं, ठीक है। 37 99 ले लेते हैं, ओके। अब ये हमारा क्या हुआ, 37 99 हमारा क्या हुआ, इसको हम कमेंट करके आपको बता देंगे। ये है हमारी फ्रिक्वेंसी, ठीक है। क्या क्या है हमारी फ्रिक्वेंसी, ठीक है। ये हमारी फ्रिक्वेंसी होगी। अब यहाँ पे फ्रिक्वेंसी तो हमने दे दी, अब हमें फिर टाइम भी तो देना चाहिए। अब हमें तो बता रहे हैं भाई टाइम, यानी कि टाइम फॉर ड्यूरेशन, यानी कितनी देर तक ये बजेगा। तो ड्यूरेशन हम दे देते हैं 5-4 सेकंड दे देते हैं, 4 सेकंड। तो 4 सेकंड के लिए हमें यहाँ पे 4000 नैनो सेकंड लिखना पड़ेगा। उसके बाद हम यहाँ पे क्या देते हैं, टाइम दे देते हैं, ठीक है। ये हमारा टाइम है। अब उसके बाद हमने यहाँ पर इतना कांड को कर लिया। उसके बाद हमें क्या यूज़ करना है, जो हम ऊपर मॉड्यूल यूज़ किए हैं विन साउंड, ठीक है। तो यहाँ पे हम विन साउंड लिखते हैं, फिर डायरेक्टली डॉट में क्या बजाना है, हमें बीप बजानी है। तो बीप लिखे यहाँ पे, ओके। यहाँ पे हमने बीप लिखा। बीप लिखने के बाद जो दोनों मॉड्यूल हमने यहाँ पे, जो दोनों चीज़ें हमने यहाँ पे ली हैं, एक इसलिए हमने लिया फ्रिक्वेंसी लिया, और दूसरी चीज़ हमने क्या ली है, ड्यूरेशन, यानी कि टाइम लिया, ठीक है। अब सीधा कोड को हमने सेव किया, कोड को हमने जैसे सेव किया, सेव करने के बाद इसको F5 से प्रेस करके रन किया। देखिए, आई होप ये आपको बजा सुनाई दिया होगा। अभी से हम इसको फ्रिक्वेंसी चेंज कर देते हैं, थोड़ी फ्रिक्वेंसी इसको कम करेंगे तो आवाज़ मोटी होगी, ज़्यादा करेंगे तो आवाज़ पतली होगी। ये आपको भी पता है, हमें भी पता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम 6000 ले लेते हैं, ठीक है। 6000 लेने के बाद अब हम इसको, सॉरी, 6000 लेने के बाद हम इसको फिर से करते हैं। तो देखा आपने यहाँ पे आवाज़ क्या हो गई, पतली हो गई इसकी, ठीक है। तो अभी ये जैसे प्रोग्राम ऑफ, अभी हम क्या करते हैं, इसको 2000 ले लेते हैं, ठीक है। कितना ले लेते हैं, 2000, ठीक है। कोड को सेव किया, हमने रन किया कोड को, ठीक है। देखो आवाज़ कुछ मोटी हो गई। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ये ट्रिक भी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये ट्रिक वाकई अच्छी लगी और इस कोड से आपको कुछ समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तब के लिए धन्यवाद।